दिल्ली में कैंसर की नकली दवाओं के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। मरीजों की सेहत के साथ बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था, पुलिस ने भंडाफोड़ किया। दिल्ली पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जब्त की गई कैंसर की जीवन रक्षक दवा की कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मैम, एक बड़ा रैकेट बस्ट किया है आपकी टीम ने, और क्या इसमें इंफॉर्मेशन मिल पा रही है तुम? देखिए, DCP अमित गोयल साहब की टीम को इन्फॉर्मेशन आई थी कि कैंसर की दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ दिल्ली में बिक रही हैं। तो उन्होंने, उस टीम ने काम किया, तो एक फैक्ट्री पे रेड की गई जो कि मोती नगर में DLF में 2 फ्लैट्स में चल रही थी। वहाँ बहुत सारे एम्प्टी वायल्स भी मिले और साथ में नकली दवाइयाँ भी मिली कैंसर की। जब आगे तफ्तीश की गई कि ये नकली वायल्स कहाँ से आते हैं, तो 2 लोगों तक पहुँचे जो कि एक कैंसर हॉस्पिटल में काम करते थे। और वो लोग वहाँ, देखिए, किसी भी हॉस्पिटल के वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने का एक प्रोसीजर होता है, तो ये लोग उस प्रोसीजर को वायलेट करके और खाली दवाइयों की शीशियों को ये लोग लेके 4 से 5 हज़ार रुपये में बेच दिया करते थे, जिनको रिफिल करके नकली दवाओं से और आगे